स्वागत है आप सबका विमेन बिग बैश लीग के मैच नंबर 21 के अंदर। मुकाबला है यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर्स बनाम सिडनी सिक्सर्स के बीच में, जो खेला जाएगा वाका पर्थ के ऊपर। मैच टाइमिंग है सुबह के 11:40। तो डबल हेडर का पहला मुकाबला ये, बहुत ही बढ़िया आपको मैच देखने को मिलने वाला है। और आप देखिए स्टूडियो में टोटल आपको 82 स्लाइड्स देखने को मिलती है, जो आपको हेल्प करेगी बेस्ट फैंटेसी टीम बनाने के अंदर। तो पूरा वीडियो देखना, आपको मजा जाएगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, क्या फायदा है, लाइनअप्स के बाद कोई भी अपडेट आती है ना, मैं आपको टेलीग्राम पे पोस्ट करके दे देता हूँ। 11 बजे टॉस होगा, 11:40 को मैच स्टार्ट हो जाएगा। इस 40 मिनट के अंदर मैं आपको पिक्चर्स की फोटोज ला के दूंगा, प्लेइंग 11 और फाइनल टीम्स पोस्ट करके दे दूंगा। अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, इसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलते हैं पिच रिपोर्ट की तरफ। वाका पर्थ का यह मैदान है, हमेशा मैं कहता हूँ जब भी पर्थ के ऊपर मैचेस होता है तो उनकी पिच के अंदर बाउंस देखने को मिलता है, बॉल कीपर तक ऐसे कैरी होती है, ऐसे नहीं होती है, ये दर्शाता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाउंस होता है पिच के अंदर। और इस साल के WBBL के अंदर जो 9th एडिशन है, यहाँ पर 2 मैचेस हुए हैं, उनके अंदर क्या हुआ उसकी बात करता हूँ मैं आपसे। यहाँ पे लास्ट मैच हुआ था 31 अक्टूबर को, कह सकते हो आप करीबन दो दिन पहले की बात है, परसों की बात है। पर्स कॉचेस वर्सेस सिडनी सिक्सर्स का मैच था, क्या होता है क्लैश के अंदर आप देखो, हुआ कुछ नहीं था। पर्स कॉचेस पहले बैटिंग करने आती है, 166 बनाती है 8 विकेट गवा के, 167 का टारगेट देती है। और सिडनी सिक्सर्स वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम मानी जाती है, लास्ट ईयर फाइनल भी खेला था और ये टीम 130 रन पर 9 विकेट गवा के टारगेट चेस नहीं कर पाती है। फिर इससे पहले 158 बना 10 विकेट गवा के, ये मैच था हॉबर्ट हरिकेन्स के खिलाफ, हॉबर्ट हरिकेन्स पहले बैटिंग करने आई, 158 बनाती है 10 विकेट गवा के। और पर स्कॉचेस उसको चेस कर जाती है ड्यू टू द बेथ मोनी, मैरी डार और सोफी डिवाइन, 19th ओवर में टारगेट चेस, 9 बॉल रहते और 7 विकेट से टीम जीत दर्ज कर जाती है होम टीम, ठीक है। फिर आप देखें इससे पहले 166 बना 4 विकेट गवा के, जो टीम चेस करने आती है 141 बनाती है, 110 बना टारगेट चेस लास्ट बॉल के ऊपर, 96 बना टारगेट यहाँ पर चेस हो गया 16 ओवर के अंदर, 137 बना टीम 2 रन से पीछे रह गई। इस वेन्यू के ऊपर पर्स कॉचेस का होम ग्राउंड है, ये दोनों टीम्स अवे हैं, एडिलेड और सिडनी सिक्सर्स का मैच है ना, ये दोनों टीम्स अवे टीम है। इस वेन्यू के ऊपर एडिलेड स्ट्राइकर्स विमेन ने 1 मैच खेला और 1 मैच हारी है, और सिडनी सिक्सर्स यहाँ पर 5 मैच खेली है, इसको 5 मैच खेली है, 4 मैच जीती है और 1 मैच यहाँ पर हारी है। बैटिंग फर्स्ट 5 मैचेस जीते गए हैं और चेस करते हुए इस वन्यू के ऊपर 3 मैचेस जीते गए। तो बैटिंग फर्स्ट मेरे हिसाब से फॉर्मूला होना चाहिए, ये डे गेम है, ये मैच वहाँ पर दोपहर के 2:30 बजे स्टार्ट होगा, अपने से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो वहाँ मैच हो रहा है ना पर्थ के अंदर, अपने से 2-2.5 घंटे आ गए और सिडनी अपने से 5.5 घंटे आ गए, तो उनकी कंट्री के अंदर ही 3 घंटे का टाइम डिफरेंस आ जाता है जोन के अंदर। प्रति ओवर 7.5 के आसपास रन बनते हैं और इस वन्यू के ऊपर जो लास्ट मैच हुआ था उसके अंदर 6 विकेट्स पेसर का था और 11 विकेट स्पिनर्स के थे। ओवरऑल विकेट कॉलम क्या कहता है, लास्ट 8 मैचेस के अंदर पेसर्स ने 54 विकेट निकाला है, पहली पारी में 28 और दूसरी पारी के अंदर 26 है। राइट आर्म पेसर 52, लेफ्ट आर्म पेसर का 2 विकेट है। स्पिनर्स 51 विकेट है, पहली पारी में 24, दूसरी पारी के अंदर 27 है। ऑफ स्पिनर्स का 38, लेग स्पिनर्स का 9, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 4 विकेट है। मैं आपको लेके चलता हूँ लास्ट मैच की पिच की फोटो की तरफ। ये पर्थ की पिच है, जब यहाँ पे लास्ट मैच खेला गया था तब पिच यहाँ पर इस तरह से दिखी थी, आप देखो क्रिस्टल क्लियर एकदम पिच की फोटो आपको दिख जाती है, ये आप देख सकते हैं। मैच देखते हो मैंने स्क्रीनशॉट निकाल लिया था, ये देख सकते हो आप वाका ग्राउंड पर्थ, ऐसी यहाँ की पिच दिखती है, हरी भरी पिच होती है, बाउंस होता है पिच के ऊपर। ये देखो आप, ये लास्ट मैच की पिच की फोटो, और उससे पिछला मैच जो हुआ था अगेंस्ट हॉबर्ट हरिकेन्स, ये तब ऐसी पिच थी। डायमेंशन 60 मीटर स्क्वायर, सामने 60 मीटर होता है इस स्टेडियम का व्यू, ये दिख रहा है आपको, बहुत ही प्यारी फोटो इस स्टेडियम की। यह है अपना ऑप्टा स्टेडियम, सुना होगा आपने इसका, वर्ल्ड कप के मैचेस हुए थे 2022 के अंदर, T20 वर्ल्ड कप हुआ था और ये इंडिया ने यहाँ पे प्रैक्टिस करी थी, इंडिया ने यहाँ पे 7-8 दिन गुजारे थे वाका के अंदर। आपको पता हो तो ये जो वेन्यू था वाका पर्थ का, यहाँ पर इंडिया ने प्रैक्टिस करी थी, तो बहुत अच्छा वेन्यू, ठीक है। यह स्पेशल पिच रिपोर्ट फ्रॉम द वेन्यू ऑफ वाका पर्थ, कैसी लगी मेरे को कमेंट करके बताना, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर लो, घंटी बटन दबा दो। न्यूज़ वही आ रही है सेम, दोनों टीम्स 18 मैचेस खेले हैं, एडिलेड 6 जीती है और सिडनी सिक्सर्स 12 जीती है। लास्ट ईयर दोनों टीम्स ने फाइनल खेला था, दिस टू टीम्स वेर द बेस्ट लास्ट सीजन, ये दोनों टीम्स लास्ट सीजन की सबसे बेहतरीन टीम थी, बट सीजन में सिडनी सिक्सर्स लगातार हारती आ रही है पूरे मैचेस, आई थिंक एक मैच जीती जितना मुझे याद आता है, ये
टीम सिडनी सिक्सर्स। एडिलेड स्ट्राइकर्स कैटी मैक ओपन करेगी लॉरा वुल्फार्ट के साथ, तालिया मगरात वुंडावन है कैप्टन इस टीम की, ब्रिग पेटरसन कीपिंग करती है राइटी बैटर, इस टीम में एक भी लेफ्टी बैटर नहीं है, मैडी पेना, डैनियल गिब्सन, जॉर्ज एडम्स आती हैं, फिर आपको अमांडा ब्लिंटन दिखती हैं, जेमा बार्ड्स भी दोनों उंगलियों से डालती हैं, दोनों हाथ से राइट आर्म ऑफ स्पिन भी डाल लेती हैं और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन भी डाल लेती हैं, मैगन शूट आपको दिखेंगी और अनिशु मुंशी दिखती हैं, लेग स्पिन डालती हैं जो नई गेंद को स्विंग कराती हैं लाइक मुजीब। सिडनी सिक्सर्स सुजी बेट्स आउट ऑफ फॉर्म क्रिकेटर ओपन करेंगी पैरी के साथ, गार्डनर वनडाउन है, इरिन बिन्स आती हैं, ट्रॉयन मैकलिन ब्राउन मथाल्डा कारमाइकल कैट पहले कैट पैटरसन लिंसे स्मिथ लॉरेंस चिटेल आपको यहाँ पे दिखती हैं, लेफ्ट आर्म पेसर है इस टूर्नामेंट की दूसरी लेफ्ट आर्म पेसर है सारा कैनेडी के बाद, कैनेडी के बाद जो मेलबर्न रेनेगेड्स की प्लेयर है। पावर प्ले के अंदर टीम्स ने कैसा खेला है तो आप देखिए, सिडनी सिक्सर्स ने पावर प्ले में ठीक ठाक बैटिंग करी है, 5 विकेट गवाया है, बट सबसे खराब इनका है स्ट्राइक रेट। वहीं आप देखते हो एडिलेड स्ट्राइकर्स पावर प्ले के अंदर 4 विकेट गवाए हैं इस टीम ने, स्ट्राइक रेट थोड़ा ठीक है 113 का, पावर प्ले 4 ओवर को होता है वुमेन बिग बैश लीग के अंदर, 5 से 14 के बीच में। मिडल फेस के अंदर सिडनी सिक्सर्स ने बहुत विकेट गवाए, मैंने लास्ट मैच की इनकी डेटा ऐड नहीं करी, उसको ऐड करूंगा तो और ज़्यादा हो जाएगी डेटा, 4 मैच में 14 विकेट्स और एडिलेड स्ट्राइकर्स ने 5 में 11 विकेट गवाया। डेप्थ के अंदर सिडनी सिक्सर्स बहुत विकेट गवाती है 4 में 14 और एडिलेड स्ट्राइकर्स ने 5 में 9 विकेट गवाया। बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं, एडिलेड स्ट्राइकर्स की टीम ऐसी है जो पावर प्ले के अंदर पहले 4 ओवर में बहुत विकेट निकालती है, 8 विकेट निकाल चुकी है, सिडनी सिक्सर्स मात्र 1 विकेट निकाली है। सिडनी सिक्सर्स को दिक्कत आती है नई गेंद से बॉलिंग करने में। एडिलेड स्ट्राइकर्स मिडल फेस में भाई साहब क्या टीम है, 19 विकेट्स हैं 5 मैचेस के अंदर बिटवीन 5 से लेकर 14 ओवर के बीच में। वहीं सिडनी सिक्सर्स 4 में 11 निकाली है और डेथ ओवर में सिडनी सिक्सर्स बहुत अच्छी बॉलिंग करती है, क्यों वहाँ पे पावर सर्च चलता है डेथ ओवर के अंदर इन दूसरी टीम्स का, तो वहाँ पे गार्डनर बॉलिंग करने आती है, लास्ट मैच में पावर सर्च में उसने 2 विकेट निकाला था, तो ये डेथ में बहुत विकेट निकालते हैं सिडनी सिक्सर्स वाले। एडिलेड स्ट्राइकर्स डेथ में 3 मैच में 5 विकेट निकाला है, डेथ तक इनका ज़्यादा गेम जाता नहीं है, पहले खत्म हो जाता है। कैटी मैक 16 मैचेस में 362 रन है, 33 की औसत, एटवर्ड के अंदर अगेंस्ट सिडनी सिक्सर्स बैटिंग फर्स्ट 2, 13, 29, 20, 31, चेस के ऊपर 42 नाबाद, 6, 14 नाबाद, 48 नाबाद, 25, 3, 66 नाबाद, 24, 34। इस मैदान के ऊपर 7 मैचेस के अंदर 98 रन है, 103 का यहाँ पे स्ट्राइक रेट है। बैटिंग फर्स्ट 3, 32, 14, 29 नाबाद 20, हर बार बैटिंग फर्स्ट किया वाका के ऊपर। लॉरा वुल्फार्ट 1 मैच यहाँ पे खेली थी बट इनकी बैटिंग नहीं आई थी साउथ अफ्रीका के लिए, वेन्यू के ऊपर बता दिया 10 मैचेस में हेड टू हेड के अंदर अगेंस्ट सिडनी सिक्सर्स 150 रन है, बैटिंग फर्स्ट 14 नाबाद 3, 10, 23, 15, चेस के ऊपर 10 नाबाद 9, 33, 10 नाबाद 22। तालिया मगरात 17 मैचेस में 20 की औसत है, 226 रन है, रन इतने खास इसने करे नहीं इस टीम के अगेंस्ट, बैटिंग फर्स्ट 15, 44, 12, 0, 0, 18, 24, वेन्यू चेस के ऊपर 5, 0, 7, 27, 45, 30, 6, 40, 9, 4, वेन्यू के ऊपर 3 मैचेस में 8 रन से 2 विकेट है, 4 नाबाद बैटिंग में स्टेज पे 4 नाबाद। फॉर्म देखें 20 रन 1 विकेट 1 रन 10 रन 0 विकेट 31 रन 34 रन 2 विकेट, तो ठीक ठाक फॉर्म रहा, इतना स्पेशल भी नहीं कहूँगा। इसका फॉर्म क्वेश्चन मार्क हो गया लॉरा वुल्फार्ट का, 8, 35, 2, 14, 47, ऐसा लग ही नहीं रहा अभी तक लॉरा वुल्फार्ट WBBL में पहुंच ही नहीं लग रहा, इनकी परछाई है अभी तक सिर्फ। बेर बडसन 18 मैचेस में 201 रन है, 14 की औसत है, 201 रन है, बैटिंग फर्स्ट 1, 8, 4, 28, 4, 11, 7, चेस के ऊपर 6, 33, 40 नाबाद 0, 2, 5, 11 नाबाद 30, 11, ठीक ठाक नंबर्स है। बैटिंग फर्स्ट में बहुत स्ट्रगल किया इन्होंने, वेन्यू के ऊपर 3 मैच में 58 रन है, बैटिंग फर्स्ट 19, 14, चेस के ऊपर 25 है। फॉर्म 70, 27, 8, 5, 102, 0, 52, 51 इस तरह से रहा। मैडी पेना 8 मैचेस में 85 रन है, बैटिंग फर्स्ट 2, 7, 16, 39 नाबाद, चेस के ऊपर 0 नाबाद 21 है, इस वेन्यू पे 2 मैच खेला 0 रन है। गिब्सन हेड टू हेड वेन्यू नहीं खेला, फॉर्म देखें कोई खास नहीं है इस WBBL के अंदर, 4 रन 0 विकेट 1 विकेट 10 रन 1 विकेट, बॉलिंग नहीं आई, इस तरह से फॉर्म रहा है। एडम 0 विकेट 1 विकेट 12 रन 1 विकेट 13 रन 1 विकेट, तो ये 2 प्लेयर्स को टीम ने ज़्यादा यूटिलाइज नहीं किया एडिलेड स्ट्राइकर्स ने, ये ओवरसीज प्लेयर पे टीम ज़्यादा रिले नहीं करती एडिलेड स्ट्राइकर्स गिब्सन और एडम्स के ऊपर। अमांडा ब्लिंटन 18 मैचेस में 13 विकेट्स हैं, बॉलिंग फर्स्ट 11 मैच में 6, बॉलिंग सेकंड 7 मैच में 7 विकेट, बल्ले से 57 रन है, वेन्यू के ऊपर 3 मैच में 3 विकेट्स हैं और अच्छी गेंदबाजी करती हैं, लेग स्पिन इसकी बहुत प्यारी आती है, विकेट टेकर है, फ्लाइट देती है बॉल को,
हल्का सा बॉल को पीछे रखती है बैटर की आर्क से। जेमा बार्ड्स भी 17 मैचेस में 13 विकेट्स हैं, बॉलिंग फर्स्ट, 9 मैचेस में 2 विकेट है, बट बॉलिंग सेकंड के अंदर 7 मैच में 11 विकेट्स हैं। वेन्यू पर 8 मैच में 5 विकेट्स, खास नंबर्स तो इतने नहीं है बट देखते हैं। अनिशु मुंशी 1 विकेट 0 विकेट, 1 विकेट 2 विकेट, इस तरह से फॉर्म रहा है, हर मैच में एक ना विकेट तो निकालती निकालती है मोस्टली। मैगन शूट 18 में 14 विकेट्स हैं, बॉलिंग फर्स्ट 11 में 7, बॉलिंग सेकंड 7 में 7, और वेन्यू के ऊपर 6 मैचेस में 6 विकेट है। अच्छी बॉलर है, इस वेन्यू पे आपको हल्का सा स्विंग भी देखने को मिल सकता है। पावर सच में मैगन शूट और विलिंगटन डालती है। अब देखें, पहला और पिछले गेम में डाला था मैगन शूट ने, पहला 13वां 15वां, गिब्सन का 2रा था, मुंशी का 4था 10वां 14वां, बार्सवी का 5वां 7वां, विलिंगटन का 6वां 8वां 12वां 16वां, तालिया मगरात का 9वां 11वां, एडम्स का 13वां ओवर था लास्ट गेम के अंदर। पैरी 16 मैचेस में 480 रन्स हैं, 34 की औसत है और 6 विकेट्स हैं, बहुत अच्छे फॉर्म में है प्लेयर, बैक टू बैक 250s करके आ रही हैं, उससे पहले 49 किया, 1 रन से पीछे रह गई थी 50 से, अलग फॉर्म में। वेन्यू के ऊपर 10 मैचेस में 292 रन्स, 106 की औसत है। सूजी बेट्स का एटटूडे के अंदर 5 मैच में 117 रन्स है, बैटिंग फर्स्ट 82 नाबाद, चेस के ऊपर 1 2 22 10, एक्स क्रिकेटर एडिलेड स्ट्राइकर्स की, जी हाँ पहले उस टीम के लिए खेला करती थी। वेन्यू के ऊपर 13 मैचेस के अंदर 293 रन से 24 की औसत है। गार्डनर 18 में 271, फॉर्म देखो इसका एक बार, सूजी बेट्स का 18 10 3 5 6 45 14 9 14 1 36 18 16 30, बहुत खराब फॉर्म में ये गार्डनर। 18 के अंदर 271 रन्स है और कुल मिला के 5 विकेट्स है। मैं भी देख के शौक हुआ यार, इसने इस टीम के अगेंस्ट विकेट क्यों नहीं निकाले, बॉलिंग थोड़ी कम करी है, 13 बार बॉलिंग करी है 18 मैचेस खेल के। बल्ले से रन्स ठीक है, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट के अंदर 11 18 26 72 39 49, चेस के ऊपर तो 8 1 9 1 7 0 है। वेन्यू के ऊपर 6 मैचेस में 74 रन्स है, 6 विकेट है, लास्ट मैच में 0 गए वेन्यू के ऊपर और 3 विकेट निकाले, बड़ी बारी आ सकती है इस गेम के अंदर, नज़र रखिएगा। बट स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा सामने वाली टीम का। ह्यूरेन बिन्स 15 के अंदर 212 रन्स हैं, 6 विकेट्स हैं, वेन्यू के ऊपर 5 मैच में 24 रन्स 2 विकेट हैं। फॉर्म 2 रन 6 रन 0 29 0 0 11 31 4 विकेट। ट्रोयन 6 मैचेस के अंदर 4 विकेट है, बॉलिंग भी कर रही है बैटिंग भी कर रही है, तो आपको क्यों ड्रॉप करना। वेन्यू के ऊपर 5 मैच में 28 रन्स और 0 विकेट है। मार्टिन ब्राउन 11 मैचेस में 10 विकेट है और 69 रन्स बल्ले से, ये भी आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों करके देती है। बॉलिंग फर्स्ट 3 मैच में 2, बॉलिंग सेकंड 6 मैच में 8 विकेट है, 1 बार विकेट लेस गई है। वेन्यू के ऊपर 6 मैच में 7 विकेट 11 रन्स है, इंपॉर्टेंट पिक हो जाती हैं ये। मथाल्डा कारमाइकल 8 मैचेस में 40 रन्स, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डाउन द ऑर्डर खेलती हैं। कैट वेले इंपॉर्टेंट नहीं है, कैट पैटरसन भी ज़्यादा लंबा स्पेल नहीं डाल रही, 1 या 2 डालती हैं। हेड टू हेड के अंदर 2 मैचेस में 1 विकेट है, बॉलिंग 1 बार करी है बॉलिंग फर्स्ट। वेन्यू के ऊपर भी सेम नंबर से, 1 मैच में 1 विकेट बॉलिंग फर्स्ट। लेंस स्मिथ हेड टू हेड के अंदर 2 मैचेस में 2 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट 1 मैच में 0, बॉलिंग सेकंड 1 मैच में 2 विकेट है। वेन्यू के ऊपर इसका 2 विकेट है बॉल फर्स्ट करते हुए, जो लास्ट मैच में निकाला था अगेंस्ट पर्ट्स कॉचर्स। लॉरेन चिटेल 8 में 8 विकेट्स हैं और अच्छी गेंदबाज है, गो टू बॉलर इस टीम की, लास्ट मैच में पावर सर्च को रूबी डाला था इसने। वेन्यू के ऊपर 4 मैच में 4 विकेट्स हैं, 1 बार विकेटलेस नहीं गई इस वेन्यू के ऊपर ये। जैस करके स्टैट जी हैं आप देख सकते हैं, जेड एलेन है, गैबी सटक्लिफ, गैन फ्लॉड। पावर सर्च में गार्डनर तो हमेशा डालती है, अब जो दूसरी बॉलर बनती है पावर सर्च की, वो कभी मैटलिन बन जाती कभी चिटेल बन जाती है। पिछले गेम में देखो, चिटेल का था पहला 3रा 15वां 18वां ओवर, लिंस स्मिथ 2रा 9वां 13वां 19वां, गार्डनर का 4था 12वां 16वां 20वां, ट्रोयन का 5वां 11वां 17वां, मैटलिन का 6वां 10वां 14वां था, एरिन ब्रिंस का 7वां, कैट पिटसन का 8वां ओवर था। एक ही ओवर दिया था इसको, विकेट भी मिला था इसको, बॉलिंग नहीं थी। फिर कैटी मैक वर्सेस मैटलिन 33 बॉल 29 रन 6 इनिंग्स में 1 बार आउट किया है। लोरा वुल्फार्ट वर्सेस पैरी 10 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है, 70 बॉल में 67 रन देखे। लेंसी स्मिथ ने लोरा वुल्फार्ट को 4 इनिंग्स में 2 बार आउट का सबसे नीचे लिखा, आप देख सकते हैं 2 विकेट निकाले हैं 7 बॉल में 6 रन देके, बैटल टू वॉच आउट। तालिया मगरात अगेंस्ट गार्डनर 6 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, 30 बॉल में 29 रन देके। बेगर पैटरसन वर्सेस मैटलिन ब्राउन 4 इनिंग्स में 4 बार आउट किया मैटलिन ब्राउन ने बेगर पैटरसन को, 24 बॉल में 14 रन देके।
एडम्स चिटेल कोई खास मैचअप नहीं, गिब्सन का भी नहीं है। पैरी का जरूर है डार्सी ब्राउन के सामने, बट डार्सी ब्राउन आपको शायद ना दिखे, स्टैट्स मैंने दिए हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं, आप पीछे जाके देख लेना। मैगन शूट 15 मैचेस में 3 विकेट निकाला है पैरी के सामने, बार्ज़ ने 10 इनिंग्स में 2 विकेट निकाला है। सूजी वेट्स का मैचअप अमांडा ब्लिंटन के सामने 16 इनिंग्स में 7 बार आउट किया है, दिस इज द बैटल टू वॉच आउट। 98 बॉल में 97 रन बनाए। मैगन शूट ने 28 इनिंग्स में 7 बार आउट किया है उसको। एरियन बिन्स वर्सेस तालिया मगराज 6 इनिंग्स में 3 बार आउट किया, 29 बॉल में 35 रन देंगे। और बार्ज़ ने 10 इनिंग्स में 3 बार आउट किया है, मैगन शूट ने 9 इनिंग्स में 3 बार आउट किया है 27 बॉल में 18 रन देंगे। गार्डनर अगेंस्ट मैगन शूट 11 इनिंग्स में 2, बार्ज़ ने 6 इनिंग्स में 2, 18 बॉल में सिर्फ 15 रन दिए हैं। वेलिंगटन को ठीक खेलती है, मगराथ को भी ठीक खेलती है गार्डनर। मैटलिन हिटर ऑफ द बॉल है। क्लॉड टायरन वर्सेज वेलिंगटन शूट एक एक बार आउट हुई, अच्छा ही खेला है इनको तो। और देखें जो टीम है ना सिडनी सिक्सर्स ऑफ स्पिनर्स के सामने अभी तक 5 मैच, लास्ट मैच को भी ऐड कर रहा हूँ मैं, 5 मैच के अंदर 17 विकेट दिया है। लास्ट मैच में एमी एडगर ने 4 विकेट निकाले तो प्लेयर ऑफ द मैच बनी थी वो। तो चीज़ आपको ध्यान देनी है, सिडनी सिक्सर्स ऑफ स्पिन के सामने बहुत विकेट गंवाती है, हमेशा से देखा गया है। और आप देखें एडिलेड स्ट्राइकर्स 5 मैच के अंदर 8 विकेट इन्होंने ऑफ स्पिन के सामने गंवाया है, 26 की औसत है। लेग स्पिन की बात करें तो देखें आप, सिडनी सिक्सर्स ने 3 इनिंग्स में 4 विकेट गंवाया है, क्योंकि लास्ट मैच की भी डेटा आपको मैं ऐड करके बता दे रहा हूँ, क्योंकि लास्ट गेम में एलना किंग का 2 विकेट था। एडिलेड स्ट्राइकर्स ने 3 इनिंग्स में 4 विकेट दिया लेग स्पिनर्स को। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स की बात करें तो एडिलेड स्ट्राइकर्स ने 3 मैच में 5 विकेट दिया। लिन स्मिथ सामने होगी, 92 की एवरेज है, सबसे लोएस्ट स्ट्राइक रेट आई मीन 92 का एडिलेड स्ट्राइकर्स का वर्सेज लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन। फंस सकती है टीम अगेंस्ट लिन स्मिथ, लेफ्ट आर्म पेसर चिटेल है, देखते हैं वो किस तरह से बॉलिंग करती है इस गेम में। 50,000 रुपये का फ्री गिव अवे, इसी दिन मैच है अफगानिस्तान नेदरलैंड्स का, तो पार्टिसिपेट करिएगा, उसके अंदर लीडर बोर्ड चल रही है, इस लीडर बोर्ड के अंदर वुमन बिग बैश लीग के मैचेस भी काउंटेड है, तो आप पार्टिसिपेट करिए। पहले रैंक पे KTM, दूसरे पे एक्सट्रीम, तीसरे पे TVS अपाची, चौथे पे iPhone 15 Plus है। अभी पहले रैंक पे रौनक भाई चल रहे हैं 6.5 लाख के इन्वेस्टमेंट के साथ। 10वें रैंक के ऊपर अमन है जिनको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, ब्लूटूथ होम थिएटर। और 15वें रैंक पर शिविन भाई है जो भी आउट ऑफ द बॉक्स चल रहे हैं। वर्ल्ड कप इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड, इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं ODI वर्ल्ड कप के अंदर, कहीं आप रब्बी वर्ल्ड कप की बात करने लग जाओ जो भी रिसेंटली खत्म हुआ है। कॉमन कैप्टन गार्डनर पैरी अलग जाना है तो तालिया मगरात हैं, लोरा वुल्फार्ड हैं, क्लॉय टायरन मैटली ब्राउन को रोटेट कर सकते हैं। चलते हैं फैंटेसी टीम्स की तरफ। फिलहाल मैंने कैप्टन किया पे गार्डनर को, वाइस कैप्टन मेरे पास पैरी है। और पैरी जो न्यूज़ आई थी कि पैरी कभी भी नवंबर के फर्स्ट वीक के अंदर बॉलिंग करना चालू कर सकती है, चाहे ये मैच हो या अगला मैच हो, एट मैक्सिमम जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट गेम है उसमें तो बॉलिंग करनी चाहिए मोस्टली। अब देखते हैं न्यूज़ क्या आती है आगे से। मेरे को कोई भी प्री गेम शो में पता चलता है कि पैरी बॉलिंग कर रही है, रन अप मार्क कर रही है, तो पैरी मेरी टीम में उस टाइम कैप्टन तक बन सकती है सीधा। तालिया मगराथ का बैटिंग से कोई खास रोल नहीं रहा, जब भी मैं इसको अंडर एस्टिमेट करता हूँ ये मेरे को याद दिला देती है मैं कौन हूँ नंबर वन बैटर हूँ T20I की। जी हाँ, तालिया मगराथ इज़ ए नंबर वन T20I बैटर। मैटलिन है, लिन स्मिथ है, चिटेल, वेलिंगटन शूट, मैटलिन, ट्रोयन। अब देखो अलग क्या कर सकते हो, अलग करने के लिए आपको कीपिंग में तो कुछ करना ही नहीं है, सबसे बेस्ट ऑप्शन बिगर पैटरसन है, कैट प्ले को ट्राई करना ही नहीं है। यहाँ से पैरी इंपॉर्टेंट है, लोरा का फॉर्म बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, इवन मैचेस बनता है इसका बात करिए हमने मैचअप्स की, अभी आप दोबारा देखना क्या मैचअप्स है इसका। सुजी बेट्स का फॉर्म बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन चुका है, हेडेक बन चुका है। कैटी मैक आप लेके जा सकते हैं, हाईएस्ट रन स्कोरर इस टूर्नामेंट की। और बड़ी बात क्या आती है इस प्लेयर की, ये आपको कितने रन करके दे सकती है, मेरे हिसाब से 40 या 30 रन करके दे सकती है, मतलब 50 से 60 पॉइंट्स वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लिन स्मिथ कवर करके दे देगी इस मैच के अंदर। ट्रोयन अच्छी भी गया, बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रही है, तो क्यों ड्रॉप करना। तालिया मगराथ गार्डनर इंपॉर्टेंट, एडम्स का कोई रोल, ये दो ब्लैट्स का ना इस टूर्नामेंट में कुछ रोल नहीं है ज़्यादा। गिब्सन का रोल तो तब होता है जब एडिलेड स्ट्राइकर्स पहले गेंदबाजी करती है, ये मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया। गिब्सन बॉलिंग फर्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉलिंग सेकंड में गायब सी हो जाती है, रोल ही नहीं रहता कुछ। एडम्स ये भी सरप्राइज फैक्टर है, कभी बॉलिंग एक दो करा लेते हैं, कभी कराते नहीं बॉलिंग। और आप देखते हो सिडनी सिक्सर्स ये ऑप्शन के सामने बहुत ज़्यादा फंसती है। आई थिंक अभी आपको उन्होंने डेटा दिखाई थी, आप दोबारा देखना, सबसे ज़्यादा विकेट ऑप्शन के सामने इसी टीम ने दिया, 5 मैच में 18 विकेट दिया आई थिंक। ठीक है, तो ये दो ऑप्शनर्स हैं, जेमा बार्ड्सबी, जॉर्ज एडम्स। ग्रैंड लीग खेल रहे हो, मिनी जेल टारगेट कर रहे हो, छोटी रकम डाल के
बड़ी रकम बनाना चाहते हो तब आप ये दो प्लेट्स को ट्राई कर सकते हो। स्मॉल लीग में मेरे को कुछ लॉजिक नहीं लग रहा किसको लूँ दोनों में से, क्योंकि दोनों ही बॉलिंग करते हैं, कभी एडम्स डाल जाती है कभी बार्ज भी डाल जाती है, समझ के बाहर है कौन कितनी बॉलिंग करेगा। और मैटलिन ब्राउन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैगन शूट विलिंगटन इंपॉर्टेंट, यहाँ से चिटेल बहुत अच्छी लेफ्ट आर्म पेसर है, हॉलेंस स्मिथ के पास आप देखते हो अच्छा कंट्रोल है बॉलिंग के अंदर, बैटिंग भी कर लेती हैं थोड़ी बहुत। तो आप लिंसी स्मिथ को ड्रॉप करके एडम्स के साथ भी जा सकते हो आपका दिल गए तो, या फिर जेम्मा बार्ड्सवे को भी ट्राई कर सकते हो, मना नहीं करूँगा। देखते रहिए स्टार्ट मिलता है टेलीग्राम के पल्लवी का ऐसी सुन जाएंगे।